दोस्तों, आपको अपने जीवन में अपने आसपास ऐसे कई सारे लोग आपको दिखेंगे जो हमेशा अपनी डेस्टिनी के भरोसे बैठे रहते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते रहते हैं, और वो लोग किसी भी एक पर्टिकुलर काम को अपना पूरा वक्त नहीं देते। सोचने, समझने और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वही आपकी सोच पर निर्भर करती है। दोस्तों, आप हारोगे या आप जीतोगे, आप मूकी खाओगे या आपका उन सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा जाएगा उन्हीं विद्वानों में, ये सब निर्णय करेगी आपकी एक छोटी सी सोच। आप क्या सोचते हो यही आपके कल को बनाता है। अच्छा सोचिए, जो भी कुछ आप सोचते हो वही आपके साथ होता है। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, गलत सोचोगे गलत होगा। कुछ चोरों के साथ में आप 10-15-20 दिन अपने व्यतीत करो, 21वें दिन आपको भी चोरी करने की जो तलब होती है वो आपको नजर आएगी। इसी तरह से आप एक महीना शराबियों के साथ बैठ जाओ तो एक महीने के बाद आप किसी न किसी दिन एक बियर का ग्लास उठाकर गटक जरूर जाओगे। तो बेहतर है अपनी सोच को, संगति को आपको सही रखना है अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वरना आपकी सोच मर जाएगी जो आप बड़ा सोचते हैं, और जिस दिन वो सोच खत्म हो गई उस दिन आप भी पतन की ओर चले जाओगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में हर वो चीज कर सकते हो, हर उस चीज को हासिल कर सकते हो जो कुछ आप सोच सकते हो। उस सोच से भी ज्यादा आप हासिल कर पाओगे अगर आप उससे और कुछ बेहतर सोच पाए, और हर वो चीज आप इस दुनिया में सोच सकते हो जो अभी तक किसी ने सोची नहीं। इस दुनिया में जितने भी महान आइडियाज आए हैं, जितने भी क्रिएटिव आइडियाज आए हैं, वो सिर्फ एक सोच की बदौलत आए हैं, क्योंकि किसी इंसान ने कुछ नया सोचा, कुछ अलग सोचा। और जब आप कुछ अलग सोचते हैं, थोड़ी सी परेशानियां तो आपके जीवन में आएगी। जैसे ही बुरा वक्त आएगा लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, और वही लोग सबसे पहले जो डेली आपसे मिलने के लिए कॉल लगाते थे, फोन करते थे कि मुझे आपसे मिलना है, सबसे पहले वही आपसे कन्नी काटेंगे, सबसे पहले वही आपसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, जितने छोटे आपके टारगेट्स होंगे, जितने छोटे जीवन के आपके गोल होंगे, उतने ही कम संघर्ष जीवन में होंगे। दोस्तों, कॉम्पिटिशन हमेशा होता है छोटे लेवल पर, जहां पर आप फाइट कर रहे हो, वो फिर चाहे तो बड़ी उपाधि के लिए आपकी फाइट हो, बड़ा बनने की आपकी फाइट हो, या फिर बहुत बड़ी चीजों के लिए नॉमिनेशन आप अगर देंगे कभी भी, तो जीवन में आपके सामने आएंगे चैलेंजेस। छोटी चीजों में आते हैं कॉम्पिटिशन, बड़ी चीजों में आते हैं चैलेंजेस। अब उन चैलेंजेस को आप किस तरह से फेस कर पाओगे वो आप पर डिपेंड करता है। जितनी छोटी आपकी सोच होगी उतने ही कम चैलेंज आएंगे आपके जीवन में, और जितनी बड़ी सोच होगी उतने ही ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस से लड़ने की जो शक्ति मिलती है वो आपके अकेलेपन से मिलती है, आपकी सोच से मिलती है, आपके ध्यान लगाने से मिलती है। महान वही लोग बनते हैं जिनकी क्रिएटिव सोच होती है। महान वही लोग बनते हैं जो चैलेंजेस को लेना जानते हैं, चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं, किस तरह से उन चैलेंजेस का अपने जीवन में सही प्रयोग करना है, सही उपयोग करना है, उसे जानते हैं। आपको जीवन में संघर्ष करना होगा और सिचुएशंस में भी पॉजिटिव माइंड की तरह ही काम करना होगा, और एक दिन वो आएगा जब आप इस दुनिया की भीड़ से बहुत अलग खड़े नजर आओगे और जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया होगा। आसपास जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सभी एक साथ आपको जितवाने में लग जाती है। जिंदगी के जो टारगेट्स हैं आपके बहुत बड़े हैं, तो मेरा मानना है दोस्तों कि सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते हर वक्त आपके दिमाग में वही चलना चाहिए जो आपको अचीव करना है। दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो आपने सपना देखा है बचपन से, जब एक इंसान पैदा होता है तो बहुत सारे सपनों के साथ तो पैदा होता है, पर उस वक्त वो सोच नहीं सकता, क्योंकि जब एक इंसान पैदा होता है उसे खुद नहीं पता, उसको खुद को क्या, किसी को नहीं पता दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस एक पर्पस को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। आपको भी अपना जीवन कुछ इस तरह व्यतीत करना चाहिए कि आप भी किसी मिशन पर आए हैं और कुछ आपके भी सपने हैं। बिना सपनों के कोई भी इंसान उस एक डेड बॉडी की तरह है जिसको सोचने की शक्ति नहीं, कुछ करने का उसका मन नहीं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बहुत बड़ा सोचिए, और जिस दिन वो बहुत बड़ा आप अचीव कर लो तो वहां पर उसी नोटिस बोर्ड पर एक लाइन लिखकर टांग दीजिए, ये तो सिर्फ एक पड़ाव भर था उस मेरी मंजिल के लिए जिस मंजिल तक मुझे पहुंचना है। क्योंकि सपने पूरे होते हैं दोस्तों, सपना आज आप कोई देखोगे कल आप पूरा भी कर लोगे, पर कल पूरा करने के बाद आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। तो बेहतर है अगले सपने के लिए फिर से आप उड़ान भरें, और जो लोग सपने देखते हैं जितना आप सोच सकते हो उतना आप कर भी सकते हो। जितना मर्जी आप बड़ा सोच लो उतना बड़ा आप कर सकते हो, और जो इंसान सोच सकता है
वो इंसान करके भी दिखा सकता है। आपको उसके लिए काम करना चाहिए, आपको उसके लिए जीना चाहिए और साथ में ही अपने आप को हर वक्त सशक्त बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए और ज्ञान जितना हो सके लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज बिना आपकी जिंदगी अधूरी है दोस्तों।